नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप सब लोगों की डिमांड पे आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक ऐसे मॉडल के बारे में होने वाला है महिंद्रा का, जिसमें सारे के सारे फीचर्स हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो साइड शिफ्ट में गियर बॉक्स हो, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच हो और 12+3 यानी कि लो हाई मीडियम तीन स्पीड आपको मिलेंगी। तो जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है महिंद्रा यूवो टैक प्लस 585 DI। आज के इस वीडियो में स्टार्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं 1-to-1। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि इसी तरह की वीडियोज आप आगे भी देख सको। सबसे पहले दोस्तों, एक बार इस ट्रैक्टर का पूरा डिजाइन और लुक आप देखो, काफी जबरदस्त और बहुत ही जो यूथ है उसके लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन इसका बनाया गया है। स्पेशली यूथ सेंटर्ड है ये ट्रैक्टर, जो हमारे युवा किसान है उनके लिए काफी पसंद आता आ रहा है ये ट्रैक्टर आज की डेट में। तो सबसे पहले अगर बात करें दस के अगर बात करें स्टिकर्स के बारे में, तो यहाँ पे महिंद्रा यूवो टैक प्लस 585 DI की ब्रांडिंग यहाँ पे दे रखी है और काफी अच्छे तरीके से इसका जो है पूरा ग्राफिक्स डिजाइन किया गया ट्रैक्टर का और बहुत अच्छा लुक निकल करके आता है फ्रंट से। नीचे अगर देखोगे तो SLI PTO इस पे स्टिकर दे रखा है, इसका मतलब आप समझ लो इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, डुअल क्लच है, फोर व्हील ड्राइव की बैजिंग दे रखी है। उसके बाद 6 ईयर की वारंटी इसमें प्रोवाइड करी जाती है, 6 ईयर यानी कि 6 साल तक इस ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंतर्गत आप कंपनी से उसको क्लेम करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करूँ उसके ट्रैक्टर के इंजन के बारे में, तो उसमें आपको 50 HP का 4-सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है, जो अपनी मैक्सिमम पावर 50 HP प्रोड्यूस करता है 2100 rated RPM पे। इसका जो इंजन कैपेसिटी है, जिसको बोलते हैं हम लोग CC, वो 3054 CC का इंजन आपको मिल जाता है, जो पूरा का पूरा वाटर कूल्ड है विद ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ आपको पूरा दे रखा है। इस इधर से अगर देखोगे, सबसे पहले मैं बात करूँ उसके टायर्स के बारे में, तो जो आगे के टायर्स हैं वो 9520 के हैं, और जो पीछे के टायर्स हैं वो 14928 के आपको देखने को मिल जाते हैं, गुडियर के टायर्स हैं। अब दोस्तों, मैं इसके ट्रैक्टर के फ्रंट में आपको लेके चलता हूँ, देखते हैं फ्रंट में कैसा कुछ हमें लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक साक फिन दे रखा है, जिसको आप हम लोग एक बहुत अच्छा सा लुक निकल करके आता है, क्रोम में दे रखा है, यहाँ पे क्रोम में महिंद्रा का लोगो जो काफ़ी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों ये जो डिज़ाइन है ट्रैक्टर का हमारे यूथ के लिए, जो युवा किसान है उनके लिए। और जो उसकी हेडलाइट्स हैं बहुत ज़बरदस्त है, पूरा हेलोजन हेडलाइट्स का सेटअप है, जो कि सेंटर में इसको प्रोवाइड करी गई है, काफ़ी बड़ी ग्रिल इसमें दे रखी है क्रोम की पट्टी के साथ में, यहाँ पे क्रोम थोड़ा सा इसमें सिल्वर कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है और जाली दे रखी है ज़्यादा बड़ी, 3 डायनामिक्स यानी कि इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, तीनों साइड से हवा ट्रैक्टर में जा सके और ट्रैक्टर बिना गर्म हुए काफ़ी लंबे समय तक चल सके। अब दोस्तों बात करते हैं इस ट्रैक्टर के नीचे के फ्रंट एक्सल के बारे में बताऊँ, क्योंकि जो ट्रैक्टर है फोर व्हील ड्राइव में, तो इसका जो ट्रैक्टर एक्सल है वो बबल पिनियन के साथ आपको देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जो एक्सल है वो सील्ड है, आप पडलिंग के काम के लिए या फिर किसी भी जैसे आप पानी में चलाते हैं, जो पानी में क्या होता है कि हमारे जो बैरिंग होते हैं उनमें पानी चला जाता है या कोई कीच वगैरह चले जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये जो एक्सल है दोस्तों पूरी तरीके से सील्ड है, यहाँ पे कोई भी पानी वानी या कोई भी कीच वगैरह जाने का टेंशन नहीं है, आराम से आप इसको इजीली पडलिंग में या पानी में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसके साइड में अगर देखोगे, बात करें इसके पावर स्टीयरिंग के बारे में, पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर है तो पावर स्टीयरिंग के बारे में बात करें, उसमें सिंगल सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक साइड में ऑपरेट होता है, बहुत ही बैलेंस करके इस एक्सल को डिज़ाइन किया गया दोस्तों। हालांकि वैसे नॉर्मली आपको सिंगल सिलेंडर डुअल एक्टिंग मिलता है, लेकिन इसमें सिंगल सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। आप दूसरी साइड से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त स्पोर्टी हीट गार्ड के साथ में आपको यहाँ पे साइलेंसर दे रखा है, यहाँ पे भी हीट गार्ड लगा हुआ है और ये भी दोस्तों हीट गार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी महिंद्रा टैक प्लस की ब्रांडिंग दे रखी 585 की। और यहाँ पे दोस्तों बात करें इसके पंप के बारे में, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक पंप है और पावर स्टीयरिंग का पंप है दोनों ज्वाइंट दे रखे हैं, इंजन ऑयल का फिल्टर आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है, यहाँ पे अपने इंजन का जो गेज है यानी कि इंजन ऑयल का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गेज दे रखा है आपके लिए। और बैटरी का जो प्लेसमेंट है दोस्तों महिंद्रा में बाहरी आपको देखने को मिलता है, तो काफ़ी अलग डिज़ाइन इसको किया गया, बैटरी के बॉक्स को बहुत ही स्पोर्टी तरीके से लुक इसका देने की कोशिश करी गई है, तो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें इसके डिपर्स के, तो डिपर्स भी काफ़ी छोटे और स्पोर्टी बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। और मडगार्ड के जो डिज़ाइन है वो भी दोस्तों काफ़ी अलग करे गए हैं, बिल्कुल अलग ही डिज़ाइन है इस ट्रैक्टर का, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई ये उसकी तरह लगता है उसकी तरह लगता है, बिल्कुल अलग ही इसको डिज़ाइन किया गया है इस ट्रैक्टर के लिए। दोस्तों इस ट्रैक्टर के आप बात करूँ बोनट के बारे में, तो उसमें आपको सिंगल पीस बोनट दे रखा, आप इजीली यहाँ से इसको खींच करके इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं पूरा, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा सिंगल पीस में बोनट है, और इस दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट दे रखा है जिससे ट्रैक्टर ठंडा होता है, और रेडिएटर दे रखा है काफ़ी बड़ा जो कि ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे जाली भी दे रखी है,
आपके रेडिएटर में आगे से कोई भी कचरा अगर आता है तो आप इस जाली को यहाँ से निकाल करके उसको साफ कर सकते हैं। ये आपको अच्छा फीचर्स में दे रखा है। और अगर बात करें दोस्तों एयर फिल्टर के बारे में, तो इसमें जो एयर फिल्टर है वो ड्राई टाइप का दे रखा है, यानी कि डुअल एलिमेंट का सूखा हुआ आपको एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, खर्चा थोड़ा सा कम होता है और आप इसको जो एयर फिल्टर होते हैं उनको साफ कर सकते हैं। और चोकिंग सेंसर भी लगा हुआ है, कभी भी अगर आपका जो एयर फिल्टर है वो चोक हो जाता है तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड में शो कर देता है। इनलाइन फ्यूल पंप का सेटअप है बोस कंपनी का, पूरा देख सकते हैं। डीजल फिल्टर हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्टर मोटर दे रखी है। ये आपका मेटलिक आपको यहाँ पे टूल बॉक्स दे रखा है जिसमें अपना कोई भी जरूरी सामान आप रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसके प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसका जो प्लेटफॉर्म वो सिंगल स्टेप आपको चढ़ने को दे रखा है, जो काफी बड़ा इसको डिजाइन किया गया है। और अब मैं ड्राइवर सीट पर चढ़ के देखता हूँ कैसा कुछ हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ड्राइवर सीट पर अगर आप बैठ के देखोगे तो काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइवर सीट है। मतलब आपकी हाइट कोई भी है, आप अपनी हाइट और वेट के हिसाब से ड्राइवर सीट को, हालांकि वैसे बहुत कंफर्टेबल है, और अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे आगे पीछे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइवर सीट पर बैठ करके कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलता है, ऊपर से काफ़ी ऊंचा ट्रैक्टर है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ उसके डैशबोर्ड के बारे में, सबसे पहले तो आपको पूरी सेमी डिजिटल, यानी कि कुछ इंडिकेशन आपको डिजिटल ही और कुछ इंडिकेशन आपको यहाँ पे एनालॉग शो करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो आरपीएम मीटर है वो एनालॉग है, और नीचे अगर आपको जो घंटे कितने चले हुए हैं और फ्यूल इंडिकेशन, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, इंजन ऑयल का प्रेशर, टेम्परेचर, वो आपको डिजिटली देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल का दे रखा है, फोर व्हील ड्राइव का है, पार्किंग ब्रेक हो गया, बहुत सारे इंडिकेशन आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं, इस तरीके से ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो सेटअप दे रखा है इसमें आपका हेडलाइट्स भी हैं और साथ में आपको लो हाई बीम का पूरा सेटअप दे रखा है, और यहाँ पे हॉर्न भी इसी में आपको इनबिल्ट दे रखा है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग लाइट दे रखी है, 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट आपको दे रखा है, और साथ में आपको मोबाइल को रखने के लिए भी यहाँ पे स्पेस दे रखा है। आप अपने मोबाइल को यहाँ पे चार्ज पे लगा के रख सकते हैं, गिरने का कोई भी टेंशन नहीं है। काफ़ी बड़ी पॉकेट यहाँ पे दे रखी है जो फाइबर की है, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका स्टॉपर दे रखा है, यहाँ पे चाबी इग्निशन हो गया, और आपका वर्किंग लाइट के लिए यहाँ पे स्विच दे रखा है जिसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये आपका रेस का लीवर हो गया। अब दोस्तों मैं बात करूँ इसके ब्रेक्स के बारे में, तो इसमें आपको तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ईजी है और आप ईजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका थ्रॉटल हो गया, रेस का लीवर हो गया। दोस्तों उसके नीचे यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक भी प्रोवाइड किया गया, आप देख सकते हैं। कभी भी आपका ट्रैक्टर अगर पावर की कमी होती है, अगर आपको दोनों जो पीछे के पहिए हैं वो एक साथ घुमाने हैं, एक साथ आगा चाहिए, तो आप इसको प्रेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से दोस्तों काफ़ी महंगी असेंबली होती है डिफरेंशियल लॉक की, लेकिन दोस्तों 50 HP कैटेगरी में ये वाला फीचर आपको मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही खुला डुला प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा है, और पूरे जो गियर बॉक्स है उसको एक प्लेट से कवर किया गया है, जिससे कि जो घिसने वगैरह की टेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। अब दोस्तों बात करें इसके राइट साइड में, इसका जो मेन गियर का लीवर है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, इसमें आपको 1, 2, 3, 4 और रिवर्स दे रखा है। और उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे तो ये आपका हैंड ब्रेक दे रखा है, यहाँ से अपन भी ट्रैक्टर को हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। उसके ही नीचे आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी लीवर दे रखा है, अगर कोई भी पीछे हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट आप चलाते हैं तो इससे आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका यहाँ पे पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल का लीवर आपको दे रखा है, जिससे आप अपनी जो कल्टीवेटर हैरो यानी कि जुताई जब करते हैं तो कल्टीवेटर जो इंप्लीमेंट आप चलाते हैं उसकी जो गहराई है, उसकी ऊंचाई, उसको आप पूरा सेट कर सकते हैं इन लीवर्स की मदद से। ये पूरा सेटअप यहाँ पे दे रखा है। अब बात करें इसके लेफ्ट साइड के बारे में, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लच के बारे में। तो ये वाला जो क्लच है वो आपको गियर्स ऑपरेट करने के लिए दे रखा है, और इंडिपेंडेंट क्लच आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आपको PTO ऑपरेट करने के लिए दे रखा है, जिसको IPTO बोल सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट PTO क्लच आपको दे रखा है यहाँ पे। दोस्तों बात करें इसके, ये वाली तीन स्पीड आपको दे रखी है, लो हाई मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 4 × 12 यानी कि 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, जो कि पार्शियल कांस्टेंट मैच के साथ आता है पूरा का पूरा। यहाँ पे आपको बात करें PTO गियर्स आपको दे रखे हैं, PTO में दोस्तों 540 स्टैंडर्ड, इकोनॉमी और रिवर्स PTO का दोस्तों ऑप्शन भी आपको उसमें देखने को मिल जाता है। इधर देखोगे तो यहाँ पे 4 wheel ड्राइव को एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए लीवर आपको दे रखा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के पीछे के हिस्से के बारे में, तो पीछे से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों वही आपको छोटे और स्पोर्टी आपको डिपर्स देखने को मिल जाते हैं जो पीछे के आपको दे रखे हैं, छोटी वर्किंग लाइट आपको दे रखी है, और यहाँ पे वही डिपर्स, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दे रखा है। और दोस्तों सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक्टर की आप यहाँ पे दिखा सकते हैं एक बार ज़रा, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी की पूरी। 45.4 HP का दोस्तों इसका PTO है, PTO पे ये निकाल के देता है 45.4 HP। अब दोस्तों बात करें इसके लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो इसमें आपको 1700 kg की लिफ्टिंग आपको मिल जाती है, 17 क्विंटल तक ये वजन उठा सकता है अपने लिफ्ट से। 45.5 HP का PTO है, और कंपनी फिटेड आपको काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको यहाँ पे हिच देखने को मिल जाता है। कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे डबल ऑक्सिलरी वॉल्व दे रखे हैं, कोई भी आपको इंप्लीमेंट अगर चलाना जो हाइड्रोलिक चलता है, जैसे आपका MB प्लाव हो जाता है, 2 MB प्लाव चलाना चाहते हैं 2 bottom का, या फिर कोई हाइड्रोलिक जैसे कंप्यूटर माल चलाना चाहते हैं, तो वो भी आप इससे चला सकते हैं।
तो इस तरीके से पूरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है पीछे का। अगर आपको कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे बिसौली पे तिरुपति ट्रैक्टर्स पे आकर के पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर मैं बताऊँ इस ट्रैक्टर के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है वो आप 9,25,000 में ऑन रोड खरीद सकते हैं पूरा का पूरा। बाकी और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ के जो डीलरशिप है, डीलर भैया जो भैया हैं, उनका नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे बात कर सकते हैं इस मॉडल के बारे में, या फिर महिंद्रा का कोई भी और मॉडल आप लेना चाहते हैं तो उनसे सारी की सारी बात आप कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।